को विपक्षों के नेता पे भेजा जाता है, विपक्षी नेताओं पे। अगर एक बीजेपी का विधायक एमए, बीजेपी साफ है भाई, ये कह रहे हैं बीजेपी साफ, हाँ साफ है, घोटाला। रेजिडेंशियल सिस्टम या नहीं है, यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। एमपी हैज टू सेलेक्ट प्राइम मिनिस्टर, तो अगर हम पहले डिक्लेयर करते ये बनेंगे तो फिर आप राष्ट्रपति की। और नेता तो बताइए, कोई भी प्रधानमंत्री का चेहरा तो बताइए, चुनिए तो। हाँ चुनिए, कैसे चुनिए? ये ऐसा थोड़ी होता है कि हम पहले किसी को बना देंगे फिर आप इनको। पहले चेहरा तो होना चाहिए, कोई चेहरा है प्रधानमंत्री में भी अगर आपके पास गठबंधन हो रहा है तो निकाल दीजिए। नीतीश कुमार हैं उधर, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, बहुत सारी फेरिस्ट आप उनको छोड़ो। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, ये तीन तो इतने हैं कि जो देश चला सकते हैं। बनेगी तो दूल्हा एक ही होना चाहिए ना। अब जनता इसमें कंफ्यूज हो रही है ना कि हम किसे वोट करेंगे। अब जनता किसी, कोई है ममता को पसंद कर रहा, कोई केजरीवाल को पसंद कर रहा, कोई राहुल को पसंद कर रहा, कोई और ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्हें कोई पसंद कर रहा, लेकिन उनका एक मोटिव नहीं है, कोई उनके पास एक चेहरा नहीं, कोई एक फेस ही नहीं है। तो जनता भाई, जब इधर एक फेस है उसे पता है कितने पिछले उसके 10 साल का काम देख लिया, तो जनता 10 साल का काम देखेगी या 26 लोगों को देखेगी जिनका पता नहीं है कि इस कुर्सी पे कौन बैठेगा? नहीं, वो तो यही कह रहे हैं ना, वो तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि बेरोजगारी है, समस्या है, ममता बनर्जी भी वही कहते हैं। नीतीश जी कहते हैं ना, तो बिहार के जितने प्रवासी मजदूर हैं उन्हें दिल्ली से बुला लें, गाजियाबाद से बुला लें, नोएडा से बुला लें, पूरा NCR खाली करवा दें, बस। बता रहा हूँ ना, अगर नीतीश जी रोजगार की बात कर रहे हैं ना, तो जितने बिहारी मतलब हमारे प्रवासी मजदूर हैं बिहार के, बिहारी भाई, उन्हें दिल्ली से बुला लें, गाजियाबाद से बुला लें, नोएडा से बुला लें, कानपुर से बुला लें, गोरखपुर से बुला लें, लखनऊ से बुला लें, इलाहाबाद से बुला लें, वहाँ बुला के रोजगार दे दें। हमारे यूपी का जो युवा है ना, उसे इतना सारा रोजगार मिल जाएगा कि यूपी के युवा को विदेश भी जाने की मतलब जरूरत ही नहीं, भर भर के ऑफर आएंगे, भर भर के। एक बात हम इस पर टिप्पणी करेंगे, देश हमारा स्वतंत्र है, हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं, लेकिन एक लॉजिक आपका भी दिख रहा है कि अगर रोजगार ये अपने स्टेट स्तर पे करेंगे तो थोड़ा सा कमतर तो हो ही जाएगा मामला। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं अपने बिहार के दोस्त को छोड़ के आ रहा हूँ, मैं यूपी से हूँ, उसकी घरवाली को अभी प्रेगनेंसी के दौर पे उसका डिलीवरी उसकी होने वाली है, तो वो इतनी दूर से जब तक वहाँ पहुँचेगा पता नहीं उसकी बीवी के साथ क्या हो जाएगा। अगर पास में दे दें ना, तो सेम डे बंदा घर पहुंच सकता है, सेम डे। अगर पास में रोजगार होगा, हम शाम को जाएंगे अपने मतलब सुबह काम पे जाएंगे, शाम को अपने घर आएंगे, अपने परिवार के साथ में रहेंगे, कितना खुशहाल माहौल होगा घर का। ठीक है, आपसे जानना चाहते हैं भैया, NDA या इंडिया? इंडिया या डॉट वाला इंडिया या NDA भारत? जिस हिसाब से अभी करंट सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से इंडिया, आई एम नॉट इंडिया सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस, बट स्टिल आई विल गो फॉर द इंडिया, बिकॉज बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो गरीबों के लिए कुछ कराओ। अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, इंडिया के अंदर हमारा आप भी आता है, उसने हमारे स्कूल्स के लिए काम किया, हमारे हॉस्पिटल्स के लिए काम किया, काफ़ी कुछ किया। मगर अगर मैं बात करूं कि बीजेपी ने ओवरऑल कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, वो खाली बस एक दूर के सपने दिखाते हैं। ठीक है, उनकी हेल्प से हम इसरो से हम चांद पे पहुंच गए हों, मगर खुशी नहीं है चांद पे। खुशी है, बहुत गर्व की बात है, हमारे बहुत गर्व की बात है, मगर एक बात है ना, आप चांद पे पहुंच गए, मगर हमारे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब भाई बहन हैं, उनके आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है? एजुकेशन जरूरी है कि ये चांद पे पहुंचना जरूरी, पहले अपने ग्राउंड लेवल से शुरू करना पड़ेगा ना। हमारे को ग्राउंड लेवल वाले बंदों को खाना रोजी रोटी, वो भाई साहब हमारे कह रहे हैं जी उनको उनके पास घर के पास भी उनको थोड़ा मतलब इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है उनके एरिया को। उसी इंडिया की बात कर रहे थे, जिसकी इंडिया का आप बात कर रहे हैं ना, उसी इंडिया में एक मेंबर हैं नीतीश कुमार की बात कर रहे थे कि भाई अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए परेशान है तो आप अपने स्टेट में एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए। और रही बात देखिए मोदी की, जो बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि इज्जत घर दे दिया मोदी ने, इज्जत घर दे दिया मतलब लैट्रिन जो लोग बाहर जाते थे उन्होंने कहा कि शौचालय हमने दिया। ये एक इम्प्लीमेंट जैसे अगर केजरीवाल की तरफ से देख रहे हैं। नहीं, केजरीवाल की तरफ से देखा जाए तो मेरे को जो सबसे मेन चीज लगती है वो आजकल के बच्चों का एजुकेशन है। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, कल को हमारा ये हमारा पिलर्स है। ठीक है, अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो हमारे प्लेयर्स, हमारे बच्चे मजबूत होंगे, कल को उनको किसी भी देश पे या किसी भी और चीज़ पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो हमारे को एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए। ये कह देते हैं कि गरीब आदमी को 5 किलो अनाज दे दिया,
वो तो दिया होगा इसमें कोरोना टाइम पे सबको दिया है, सब सरकार ने दिया है, ऐसा कुछ अभी भी चल रहा होगा? अभी भी चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 5 करोड़ दिया पहले भी, चाह अभी भी चल रहा है, राहत उससे राहत। देखो देखो देखो, 2014 से पहले भी मिलता था अनाज लोगों को, गरीब लोगों को राशन कार्ड पे चढ़ के मिलता था, आज भी चढ़ के मिल रहा है, ऐसे कोई डिफरेंट चीज मिल रही है? दो कोई ऐसी कोई डिफरेंट चीज बताइए, कोई डिफरेंट चीज कराओ कि एक गरीब इंसान के लिए। जनधन जनधन खाते खोल दिए। सुनो मैं बताता हूं भैया, हर स्कूल में आपको शायद दिल्ली के बाहर का नहीं पता, और आप मुझे गरीब भी नहीं लग रहे, तो आपको शायद हाँ तो आपको उस लेवल का पता भी नहीं होगा। मैं बताता हूँ, हर स्कूल में तो लैब बनवा दी सरकार ने, प्राइमरी स्कूल्स में, और दूसरी बात 36 मेडिकल कॉलेज दे दिए उत्तर प्रदेश को इस सरकार ने, खाली इस सरकार के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, ओनली उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनो मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ। कानून का राज है ना उत्तर प्रदेश में, कानून का राज्य है। एक समय तो भैंस खो जाती थी और 24 घंटे के अंदर मिल जाती थी, किसी की लड़की गायब हो जाए तो नहीं मिलती थी। और हमारे भाई मित्र जो है बोले कि केजरीवाल जी लोकपाल के लिए आए थे ना, लोकायुक्त का गठन भी नहीं किए, लोकपाल पे आए थे, लोकायुक्त का गठन भी नहीं किया अभी तक। कई साल हो गए? 3 साल 5 और वो और राजनीति में जो कह रहे हैं हमारे मित्र जी, दोनों बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं किसी के साथ मिले नहीं करूंगा, और कांग्रेस के साथ 15 दिन में ही अंदर जाके कांग्रेस के साथ मिले किया था। पॉलिटिक्स तो ये बात मानते हैं ना कि पॉलिटिक्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कसम खाई थी कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, माँ की सौगंध, आज माँ भी चली गई भगवान जी के पास, मगर देश अच्छा किसी की माँ रहेगी, किसी की माँ नहीं रहेगी, जाना तो है, सत्य है, सच्चाई है, मगर उन्होंने कहा देश नहीं बिकने दूंगा। अभी 8, 9, 10 आप पढ़े लिखे लोग हैं, 8, 9, 10 किस लिए बंद हो रहा है? मैं बताता हूँ उसका भी। 8, 9, 10 खुशी के लिए तो बंद नहीं हो रहा है, इतने देश के प्रधानमंत्री यहाँ क्या करने आ रहे हैं? आज तक तो हमारा गूंगा बहरा जाता था मनमोहन सिंह, आज जाता है चौड़ा होके मेंबर आप अगर मैं पीएचडी किया हूँ और मुझे बोलना नहीं आता तो उस पीएचडी का कोई मतलब नहीं है। मैं काम बताता था देखो 10 साल कांग्रेस रही उसमें, उसका अगर मैं पीएचडी किया हूँ मुझे बोलना नहीं आता है, उस पीएचडी का कोई मतलब नहीं होता है। हमारे पास ज्ञान है और उपयोग में नहीं है तो किस काम का? क्यों उपयोग में नहीं है भाई? क्या किया 10 साल? अरे कांग्रेस टाइम पे हुई है, राहुल जी एक प्रधानमंत्री का ऑडिशन फाड़ देते हैं पार्लियामेंट में, क्या यही है नैतिकता है क्या? एक सत्ता में रहने वाला सांसद और सत्ता का ही प्रधानमंत्री है उसमें उसका ऑडिशन फाड़ दिया जाता है, जिसकी एक राय नहीं एक मत नहीं है वो देश क्या चलाएगा? वही इंडिया सुनिए मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पे आपकी राय जानना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस एक सांसद जिसकी खुद का प्रधानमंत्री है और वो बगैर राय लिए वो फाड़ देता है, तो ये सरकार है विफल सरकार है वो, किसी काम की सरकार नहीं है, जो अपने सांसदों को संतुष्ट नहीं कर सकता और राष्ट्र को क्या संतुष्ट करेगा? ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जाता? हम तो कह रहे हैं बीजेपी ने काम किया, अच्छा किया, मगर गरीबों के लिए काम नहीं करा, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे। रोड से रोड काम करना किसका काम था? चारों रोडों को महानगर से महानगर जोड़ने का कार्य किसका है? बीजेपी का है, अटल जी का है। चतुर्भुज नदियों को जोड़ने का कार्य उसका था, लेकिन वहाँ पैकेज आना चाहिए था, बिहार में नीतीश कुमार ने विरोध कर दिया था। हाँ, सारे नेताओं ने वहाँ विरोध किया, नहीं तो आज बाढ़ नहीं आती। लेकिन पैकेज चाहिए केंद्र सरकार से, इसलिए चतुर्भुज नदियों को जोड़ने का कार्य हो संपन्न नहीं हो पाया, सरकार चली गई थी बीजेपी की। भैया लास्ट में एक बात कह देता हूँ, और नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना इस राष्ट्र को मिला है और न ही मिलेगा। प्रधानमंत्री 370 किसी में दम थी क्या? चूं तक आवाज तक नहीं आई। राम मंदिर
राम मंदिर चलो, ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स मत के कहते हैं कि नहीं 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 मैं ये कहता हूँ कि उसको नहीं नहीं उसको लो उसको लो अरे उसको उसको लोग कहते हैं अरे अरे भगवान की तरह वो मत करो। देखो क्यों डरे, हम खुल कर जीते हैं, हिंदू हैं तो इनको बताते हैं। देखो देखो किसी की आस्था नहीं। तारा 370 किसमें किसमें दम थी मैं ये कह रहा था। जैसे अभी हमारे भाई साहब जो चले गए वो ये बोल रहे थे कि मनमोहन सिंह बहुत बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं वो मतलब उन्हें बहुत बड़े वो गणितज्ञ माने जाते थे। लेकिन मैं मनमोहन सिंह को बस एक ही बात कहूंगा, जैसे महाभारत में पितामह भीष्म थे वैसे ही वो थे कांग्रेस के अंदर, क्योंकि सब कुछ पता होते हुए भी हस्ताक्षेप नहीं कर पा रहे थे। उनकी चुप्पी ही उस पार्टी के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण। अगर मनमोहन जी ने अपने हिसाब से कुछ अपने ढंग से अपने दिमाग से कुछ काम किया होता तो आज हमारे देश की कुछ गति और इससे आगे होती। आज हम चांद पे है ना, तो आज हम चांद से आगे कहीं मंगल पे निकल गए होते, मंगल के ऊपर और ज्यादा रिसर्च कर रहे होते, और हमने हो सकता है इस समय पे अपना मतलब एक कोई मनुष्य भेज सकते थे चांद पे, जैसे नासा ने किया था, अमेरिका ने किया था, जैसे उस टाइम उसने भेजा था अपने यहाँ से वैज्ञानिकों को। आज हो सकता है हम रोवर की जगह किसी इंसान को भेजते, किसी साइंटिस्ट किसी वैज्ञानिक को भेजते। तो बस मनमोहन सिंह के ऊपर यही कहना था कि वो कलयुग के भीष्म पितामह हैं। भाई अर्थशास्त्री आदमी को आप ऐसे कह रहा, अभी वो भाई साहब हमारे भीष्म पितामह भी तो थे अर्थशास्त्री, भीष्म पितामह बाणों का भी सही था और कहना उनका भी सही था और इनका भी सही है। मनमोहन सिंह जी पढ़े लिखे शिक्षित और अच्छे खासे दावेदार थे, लेकिन उनके मुंह में आवाज ही नहीं था, वो एक कठपुतली के तरह थे, नचाने वाला कोई और था। वो अपने मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकते थे, आपका वो अपने मर्जी से कहीं से कोई फैसला नहीं ले सकते थे। चलिए कुल मिलाकर के बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 का जो शंखनाद है आखिर में डॉट वाला इंडिया या एनडीए, दोनों पक्षों के लोग अपनी अपनी राय रखे, और भी इसी तरीके से जनता दरबार लगता रहेगा। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, आनंद विहार, न्यूज।